ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये मैंने पूरा बता दिया। ऑप्टिकल सेंटर ये है, वो है फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। ये डॉटेड लाइन जो वर्टिकल डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, उसके लेफ्ट साइड में इन्फिनेटिव है, राइट साइड में फाइनाइट है। इधर भी यही चीज़ है, इधर लेफ्ट साइड में फाइनाइट है और इधर राइट साइड में इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, इसलिए O2 कहा, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पे रखा है, यहाँ रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, यहाँ पर सेकंड फोकस में, और इन्वर्टेड बनेगी, आई वन छोटी बनेगी, टाइनी, बहुत छोटी बनेगी, जिसको हम लोग टाइनी बोलते हैं, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी और रियल बनेगी। क्यों? क्योंकि जो रेज यहाँ से आएंगी रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज करेंगी, तभी तो राइट साइड में बनेगा, कन्वर्ज करने पे रियल इमेज, ठीक है, तो ये रियल इमेज बना रहा है, लेकिन साइज़ में बहुत छोटा है। अगर दूसरी पोजीशन, ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आ गए, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया O2 पे, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज सेकेंड फोकस और डबल ऑफ सेकेंड फोकस के बीच में बनेगी, यहाँ बनेगी, करेक्ट है, सही है, हाँ, ये भी रियल होगी। I2 साइज में थोड़ी सी बड़ी, मैंने ज़्यादा बड़ी बना दिया, थोड़ा सा बड़ी बनाते हैं, ठीक है, इतनी। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट आ गया डबल फोकस पे, I3 पे, तो डबल फोकस पे अगर रखा है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज डबल फोकस पे ही बनेगी दूसरी साइड में, और उतने ही साइज़ की बनेगी जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज़ थोड़ी और बढ़ गई। देखो ज़रा, I1 से I2, I2 से I3, साइज़ बढ़ती जा रही है। जो O3 पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज़ तो बदलनी नहीं, चाहे किसी भी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट h ही हाइट का कंसिडर करते हैं, तो इमेज के हाइट क्या होगी, उतनी ही होगी डबल फोकस पे। इस पोजीशन पे तो जो है वो छोटी होगी, इमेज की हाइट h ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी, लेकिन जैसे ही डबल फोकस पर रखोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों सेम रहेगी। डबल फोकस पर रखा है, डबल फोकस पर इमेज बन रही दूसरी तरफ, ये भी रियल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आ जाओ, ऑब्जेक्ट को डबल फोकस और फोकस के बीच में रख दो, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड डबल फोकस, और साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। आई फोर, ओ फोर की इमेज आई फोर पे बनी, करेक्ट है। ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आओ, और ध्यान रखना इमेज की साइज़ बढ़ती जा रही है और दूर होती जा रही है, ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जा रहा है, इमेज दूर भी हो रहा है लेकिन उसकी साइज़ भी बढ़ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ पर, फोकस पे, फर्स्ट फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनेटिव पे बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनेटिव पे, आई फाइव इन्फिनेटिव पे, इन्फिनेटिव पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आए, O6 पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो फोकस और डबल फोकस के बीच में इमेज बनेगी और साइज़ में बड़ी होगी, I6, ठीक है, O6 की इमेज यहाँ बन रही है, फोकस और डबल फोकस के बीच में बन रही है, तो ये आपका 6 केसेस हैं, ठीक है। ये वाली जो इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, और ये सारी जितनी पांचों इमेज थी, ये पांच ही पांचों के पांचों रियल थी, और हमने बताया था मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू वो होती है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये लेंस के केस में होता है। मिरर के केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, इसमें माइनस आ जाता है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ माइनस आ जाता है, जबकि लेंस में, लेंस के केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू एच डैश अपॉन एच होती है इज इक्वल टू वी अपॉन यू होती है, यहाँ माइनस नहीं होता, मिरर में माइनस होता है, वी अपॉन यू में माइनस होता है, अगर याद होगा तो, ठीक है। दूसरा, ठीक, अब देखो इसमें एक चीज़ और याद रखना कि एम की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है, इसका मतलब है रियल इमेज, रियल इमेज। एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब वर्चुअल इमेज। पहले, सबसे पहले जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था लेंस मेकर फॉर्मूला का, उससे पहले ये रिलेशन आया था, याद है,
ये रिलेशन आया था। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज बन रही थी फोकस पे, प्लस एफ पे। तो ये वैल्यू यहाँ रखी गई थी जब 1/f, ठीक है, क्या रखा था 1/f माइनस 1/infinitive इज इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। 1/infinitive क्या होता है, ज़ीरो। 1/infinitive होता है ज़ीरो। तो ये हो गया, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो इस इक्वेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों का राइट साइड इक्वल है, इस इक्वेशन इक्वेशन में दोनों का राइट साइड इक्वल है ना, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होना चाहिए। इसका मतलब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होना चाहिए। इसी को लेंस फॉर्मूला कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था मैंने, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का जो रिलेशन होता है उसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। और लेंस फॉर्मूला किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है उसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ये दो रिलेशन जो हैं उसका डिफरेंस याद रहना चाहिए तुमको।